शार्वी बेटे आप फॉलो करना, मैं त्रिमंत्र बुलाता हूँ। जी स्वामी जी। कभी म्यूट ही रखना। हाँ, नमो वित्रा गाय, नमो वित्रा गाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, एषो पञ्चन मुक्कारो, एषो पञ्चन मुक्कारो, सव पावप्पणासनो, मंगलानं च सर्वेषां, मंगलानं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आज तो भरत भाई साहब भी आए नहीं है। हाँ जतन देवी, एक मिनट है, मैं जरा देख लेता हूँ कौन है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मेरा प्रश्न था कि दादा भगवान ने अभय दान को इतना मूल दान कैसे बताया है? धीमे धीमे दादा भगवान ने अभय दान को इतना मूल दान क्यों बताया है? और हम किसी भी हर जीव को अभय दान कैसे दे? मच्छर है उसको हमसे डर लगता है, कोई चूहा है, कबूतर है, सबको हमसे डर तो लगता ही है, तो अभय दान कैसे दे सबको? लेकिन आप ये महसूस करते हैं कि लोग आपसे डरते हैं? नहीं, लोग तो नहीं डरते। ये अरिष्ट आपसे डरता नहीं है? आप बड़े भाई है तो नहीं। आपके मित्र नहीं? चींटी को पकड़ने जाए, चींटी को पकड़ने जाए तो भागने की कोशिश करती है? हाँ। ऐसा है ना, सभी को मुझे मारेगा, मुझे खा जाएगा, उसका डर रहता है। ये प्राणियों में ऐसा होता है, वो खाते तो ऐसा ऐसा करके देखते रहते हैं ना जी। क्योंकि ये डर की संज्ञा, भय की संज्ञा, यानी भय का गुण सभी में होता है, प्राणी मात्र में होता है। क्योंकि उनको एक डर सा रहता है कि मुझे कोई हड़प लेगा, मुझे कोई खा जाएगा, मुझे कोई मारेगा। जैसे आप आपके घर पर आ रहे हैं और आपके घर के सामने ही 5 कुत्ते खड़े हैं, तो आपको तो डर लगेगा नहीं ना? लगेगा। आप बोलेंगे मम्मी दादी। स्वामी जी मेरे साथ हुआ हुआ है, मैं बॉल लेने गया था, पीछे देखा गेट बंद है, मेरे पीछे 4 कुत्ते थे। ऐसा है तो ऐसा है ना, ये अभय दान, वैसे 4 प्रकार के दान समझाए हैं दादा भगवान ने। तो पहला है, कोई भूखा है उसको खाना देना, आहार दान बोला जाता है। कोई बीमार है, रोगिष्ठ है, उनको दवाई पहुंचाना, तो वो उसको क्या बोलेंगे, औषध दान बोला जाता है। फिर कोई कोई पढ़ना चाहता है, उनको तकलीफ है, तो उसे ज्ञान दान बोलते हैं। फिर धर्म की किताबें छपाएं, तो वो ज्ञान दान में जाता है। और सबसे अहम जो है, ये तीनों जो पहले के दान है वो व्यवहार के है। ये संसार में सुख देंगे आपको। फिर ये चौथा जो दान है उसे अभय दान बताया है।
कि कोई जीव हमसे डरे नहीं, यानी हमें ऐसे हो जाना है कि हमसे कोई जीव डरे नहीं। वैसे श्रीमद् राजचंद्र जी का नाम सुना है आपने? जी स्वामी जी। वे दादा भगवान के पहले ज्ञानी पुरुष हो गए। उन्होंने ऐसा बताया है कि हमारी हस्ती हम ऐसे जिए, हम अंदर से और बाहर से भी ऐसे जिए कि समझो हम खड़े हैं। तो आपने बैल वगैरह को, हिरन वगैरह को देखा है जी, वो पेड़ पर जाके ईसा ईसा करके खुजाते हैं जी। तो बोले कि जैसे हम खड़े हैं और आके वो हिरन, हिरन को सबसे चंचल प्राणी बताया है जी। वो बहुत चंचल प्राणी है और उसमें भय संज्ञा तो वैसे सभी प्राणियों में है, लेकिन हिरण में बताया है कि भय संज्ञा बहुत ज्यादा है। तो बोले हिरण जैसा चंचल प्राणी भी अगर आप खड़े हैं तो आपके पास आके ऐसा करके अपना सिंह को खुजा के, शरीर को खुजा के चले जाएंगे, उनको डर नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हमें ऐसा होना है। और यह भावना रखेंगे कि जैसे दादा भगवान ने हमें ये प्रार्थना दी है ना कि मेरे मन वचन काय से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ये जो हम भावना करते हैं, तो जैसे डॉक्टर बनने की भावना करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनने की भावना करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बिजनेसमैन वगैरह वगैरह, अच्छे मार्क्स लाना है, भावना करते हैं तो आपके मार्क्स फिर सुधरते हैं। उसी तरह से ये जो हमारी भावना है वो आखिर में हमें ऐसे बनाएंगे कि हमसे कोई भी जीव डरे नहीं जी। और यह जब होता है तब हम सही मायने में, जैसे आपको अपनी मम्मी से डर लगता है जी स्वामी जी, कभी डर लगता है जब आप अच्छा करते हैं कि गलत करते हैं? तब गलत करते थे। बस तो इतना समझ लो, कोई गलत काम नहीं करना है आपको जी स्वामी जी। गलत करोगे तो आप भी डरेंगे और लोगों को भी आप डराएंगे जी स्वामी जी। समझ गए? तो गलती नहीं करेंगे तो चलेगा जी स्वामी जी। क्यों चलेगा, फिर मजा कैसे आएगी? स्वामी जी कोई बात नहीं, मेरे को तो रियल सुख चाहिए, मेरे को रिलेटिव सुख तो चाहिए ही नहीं। बहुत बढ़िया, आपके दादा दादी ने, माता पिता ने अच्छा सिखाया है, लेकिन इसको पकड़ के रखना जी स्वामी जी। जब हम बड़े होते हैं हमारा संग बदलता है, फ्रेंड सर्कल बदलता है, तो बहुत कुछ उल्टा सीधा हम सीख लेते हैं। इसीलिए क्या कहा है कि जंगल है तो जंगल में हम कितना मुक्तता से घूम सकते हैं। जंगल कम। जंगल में अगर हमें गुजरना है जंगल में से, तो हम कितनी मुक्तता से गुजर सकते हैं, जा सकते हैं? बहुत कम। संभाल के जाना पड़ता है ना जी। उसी तरह से ये दुनिया है ना, ये जंगल जैसा है। अपने हम किससे बात करें, किससे, किसको मित्र बनाए, फ्रेंड बनाए, किसका परिचय रखे, समझते हैं ना, फ्रेंडशिप रखे, किससे बात करें, क्योंकि हम जिनसे बात करते हैं, जिनका परिचय रखते हैं, उनका प्रभाव हमारे पर पड़ता है। जैसे अभी आप जागरूक के घर पर रहते हैं, दादा दादी के परिचय में है, माता पिता परिवार के परिचय में है, बाहर फ्रेंड सर्कल है, लेकिन वो कितना खेले और वापस आ गए। लेकिन जब बड़े होते हैं तो उनके साथ आना जाना, बैठना होता है, उनसे बात करना होता है, तो उससे उनके परिचय से हम उनकी अच्छी बुरी आदतें सब हमारे में आ जाती है जी स्वामी। रीनम भी बताती है और चार्मी भी बताती है कि ऐसा हो जाता है, लेकिन वहां हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमें बढ़ना है, हमें महावीर भगवान के मार्ग पर चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि वही सुखी होने का मार्ग है,
जी स्वामी। संसार में भी सुखी होने का मार्ग है और संसार के कर्म के हिसाब पूरा करके मोक्ष में जाने का भी मार्ग यही है जी। समझ गए? तो ऐसा ये अभय दान और अभय दान धीमे धीमे करके हम ऐसे अहिंसक होते जाए कि हमसे किसी को भी दुख ना हो, तो आखिर का यह परिणाम आएगा। समझ गए स्वामी जी? तो आपने जैसे बताया कि हर जीव जो है वो हर जीव के मतलब भय संज्ञा सबके अंदर होती है, तो उस भय संज्ञा को सबसे मतलब कि अपन उनसे कैसे निकाले और अपने से कैसे निकाले वो भय संज्ञा? ऐसा है ना बेटे, देखो अगर आपको भय संज्ञा है तो आप अपने आप को संभाल के रखेंगे ना जी, क्योंकि हम तो क्या बोलते हैं सब्जी खाते हैं, वेजिटेरियन है ना जी, लेकिन बाकी के बहुत सारे प्राणी हैं वो तो दूसरे प्राणी को ही खाते हैं जी। तो कोई प्राणी हमसे डरे नहीं वो महत्व का है, लेकिन उस प्राणी के अंदर भय संज्ञा होना जरूरी है उनके सर्वाइवल के लिए, उनको जीने के लिए जी। समझे? तो यह उनको जीने के लिए एक प्राकृतिक संज्ञा है जो सभी जीव मात्र में होती है जी, सभी जीव मात्र में होती है। तो हमें इस तरह से रहना है कि हमसे कोई डरे नहीं जी। वो सामने वाले में से भय संज्ञा जाना अच्छा नहीं है, वो तो रहना ही चाहिए, क्योंकि वो प्राकृतिक तौर पर उस जीव को जीने के लिए वो जरूरी है। समझ गए जी? अगर आप डरेंगे नहीं तो अपने आप को संभालेंगे भी नहीं। जैसे कि डर है इसीलिए हम फुटपाथ पर चलते हैं, रास्ते के बीच में चलते नहीं है जी। अगर आप डरते नहीं है, रास्ते के बीच में चलते हैं, तो कोई भी गाड़ी आपको टकरा के चली जा सकती है ना जी स्वामी। समझ गए ना? इसका विवेक समझ गए जी? ऐसा है, ठीक है स्वामी जी। तो अपन जैसे कि अगर किसी भी जीव में जैसे कोई जानवर है उसके अंदर शुद्ध आत्मा देख लेंगे तो उसको अपने से भय नहीं लगेगा? शुद्ध आत्मा देखेंगे तो क्या होगा? भय नहीं लगेगा उसे हमसे? हकीकत में उनको जो भय संज्ञा है ना उससे वो डरेगा, लेकिन हम जैसे अहिंसक भीतर से और बाहर से होते जाते हैं तो हमसे वो डरेगा नहीं फिर, लेकिन उसको समय लगेगा। और ऐसा है ना, सभी के अंदर शुद्ध चेतन है जी। शुद्ध चेतन याने जो जिसके कारण वो सामने वाला जीव या प्राणी जी रहा है, फिर वो वनस्पति हो, कोई चींटी वगैरह हो, कीड़े मकोड़े हो, या कोई प्राणी हो या मनुष्य, सभी के अंदर जो जी रहा है उनके अंदर शुद्ध चेतन है, शुद्ध भगवान है। तो यह लक्ष्य रखकर हमें जीना है। जैसे आपको दो बक्से दिए हैं, एक बक्से में आपको पता है कि आपने आपकी चीज रखी है और दूसरा बक्सा खाली है, और दोनों बक्से सरीके दिख रहे हैं, तो कौन सा बक्सा फेंकेंगे आप? खाली वाला। वो जांच करेंगे ना इसमें नहीं है, और जिसमें है उसको संभाल के रखेंगे जी। उसी तरह से हम जानते हैं कि ये जीव है, ये जी रहा है, तो हमसे उनको दुख नहीं होना चाहिए जी स्वामी जी। ये लक्ष्य में रखते हैं कि इनके अंदर भी शुद्ध चेतन है जैसे कि मेरे अंदर भी है, मैं भी सुखी होना चाहता हूँ, वो सामने वाला भी सुखी होना चाहता है, तो मुझसे किसी को दुख नहीं होना चाहिए। ये प्राथमिक प्रार्थना है, सामान्य प्रार्थना है, लेकिन इतनी प्रार्थना में दादा भगवान ने बताया कि अगर कोई यह भावना में आते हैं, अगर कोई ऐसी भावना करते हैं
तो दादा भगवान ने बताया है कि मैं उसको उठा के मोक्ष में ले जाऊंगा जी। कोई हमें उठा के मोक्ष में ले जाए तो अच्छा है ना, कि आप खुद चलकर जाएंगे तो अच्छा है, ले जाए तो अच्छा है। हाँ, ले जाए तो ही अच्छा है ना। तो ये बात है, समझ गए स्वामी जी। आपने होता है शुद्ध आत्मा है और अभी आपने बोला शुद्ध चेतन, तो उन दोनों में डिफरेंस है क्या कुछ? नहीं, उसमें डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, लेकिन इससे हमारी जागृति ज्यादा रहेगी, क्योंकि शरीर जड़ है, लेकिन जैसे पत्थर भी जड़ है, लेकिन शरीर वो एक अपेक्षा से जड़ है, लेकिन वो पत्थर जैसा जड़ नहीं है जी। ये तो हम समझ सकते हैं ना जी स्वामी जी। जैसे ये फोन है तो ये जड़ है, लेकिन ये मेरा शरीर है वो जड़ है, लेकिन जीव के साथ जुड़ा हुआ है ना जी। तो ये, और ये इसीलिए इसको समझना है हमें जी स्वामी जी। शुद्ध चेतन लक्ष्य में रखेंगे तो हमें जागृति रहती है जी स्वामी। समझ गए, शुद्ध चेतन और आत्मा में कोई फर्क नहीं है जी। स्वामी जी मेरे भाई का भी एक प्रश्न है। बोलो बेटे, धीमे धीमे बोलना। हाँ आप अपने भाई को दूर कैसे करें? डर को दूर। हाँ, वो ऐसा है ना, ये डर आपके लिए अच्छा है। अगर आप डरेंगे नहीं ना तो कुछ भी करेंगे। आपको किससे डर लगता है वो पहले बताइए। जैसे कि मैं रात को पापा से पानी ला। रात को अंधेरे में डर लगता है आपको? हाँ, पिक्चर देखी मैंने, पिक्चर देखी मैंने भूत की मूवी देखी। तो आवाज नहीं आती है आपकी आवाज कट रही है। स्वामी जी, इसने एक भूत की मूवी देखी, उसके बाद से इसको बहुत डर लगने लग गया। बात सही है, लेकिन ऐसा क्यों देखते हैं आप? पापा ने दिखा दी। तो अभी आपको आपके पापा को बताना पड़ेगा कि बच्चों को, क्योंकि उनका उनका मन अभी कोमल है, वो बहुत कुछ समझ नहीं पाते, सहन कर नहीं कर पाते, इसीलिए ऐसे मूवी ऐसे पिक्चर देखना नहीं है आपको। समझ गए, आपको अपने बच्चों का जो पिक्चर होता है, कार्टून होता है, वही देखना है। ठीक है, तब डर कैसे दूर करो? तो डर कैसे दूर करो? अभी आप जब डर आता है दादा भगवान असीम जय जयकारो बोलना। और ऐसा है ना, अगर हमने कोई गलत किया है तो ही हमें डरना चाहिए। आप कुछ गलत करते हैं? कुछ करते हैं। क्या गलत करते बताओ? कि जैसे कि मैं बाहर जाता तो वो बोलता कि उठाने नहीं। नहीं सुनाई दिया मुझे स्वामी जी। ये बाहर जाते हैं तो ये कोई भी चीज ले लेता है तो कह देता है ये तो मेरी है और दूसरों को परेशान करता है। ऐसा क्यों करते हो आप? इसमें क्या मजा है? दूसरों की चीजों पर आपका हक कैसे बनता है? अगर आप दूसरों की चीज लेंगे तो कोई आपकी चीजों पर नजर रखेगा। अगर आप कोई दूसरों की चीज पर नजर नहीं रखेंगे तो आपकी चीज सलामत रहेगी। अगर आपको अपनी चीज को सलामत रखना है तो दूसरे के ऊपर नजर नहीं रखना है, दूसरों की चीजों पर। समझ गए? कैसा है देखो, आप ये दीवार पर बॉल मारते हो ना तो कहाँ जाता है? फिर बॉल कहाँ जाता है? वापस आता है ना। तो ये जगत है ना, ये वर्ल्ड, ये दुनिया ऐसी है, आप जैसा करेंगे लोगों के साथ ऐसा लोग आपके साथ करेंगे। तो अगर आप लोगों को परेशान करेंगे, लोगों की चीज ले लेंगे तो आपकी कोई चीज ले लेगा। ऐसे ही हमारे घर में चोरी नहीं होती है, ऐसे ही कोई हमारी चीज लेके नहीं जाता। समझ गए जी स्वामी जी। ऐसा है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। एक मिनट, हाँ ये
नॉन वेज है, बीच में नहीं आना है इसे, हाँ क्यों रखना। ओके चारवी बहने बोलो। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बोलो। स्वामी जी मेरे प्रश्न था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए। देखो जैसे अभी अभी गलतियों की बातें हुई ना, जब हम गलती करते हैं तो वो हमारा मॉरल, हमारी निष्ठा जो अंदर की है ना, वो तोड़ देती है। जब हम गलतियां करते हैं तो वो गलतियों के कारण ही हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है। आप समझे? तो जब हम तय करते हैं कि मेरे मन वचन कहा से किसी को भी दुख ना हो, जैसे कि आप सोचिए कि आपने पढ़ाई नहीं की और एग्जाम है, तो आपको डर लगेगा कि नहीं? लगेगा स्वामी जी। और आपको कितना कॉन्फिडेंस होगा? कम होगा कि कम होगा कि नहीं तो फिर क्या बताया? अच्छे से पढ़ाई की नहीं तो फिर एग्जाम कैसे होएगा? ऐसा है, मैं मेरी बात करता हूँ, उसे आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं इतना बढ़ता नहीं था क्योंकि शायद थोड़ा दिमाग ठीक था, इतना अच्छा नहीं था लेकिन ठीक था। तो ये स्कूल में पढ़ते थे, पढ़ाते थे, तो मुझे बहुत कुछ याद रह जाता था। फिर मैं घर पर इतना पढ़ता नहीं था, इसके लिए इम्तिहान में मैं पास हो जाता था। पास हो गया तो मैं समझता था कि मेरा काम हो गया, आगे नंबर लाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता था। हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो क्लास में फर्स्ट आते थे। वो क्यों फर्स्ट आना चाहते थे? क्योंकि उनको डॉक्टर होना था, और मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था डॉक्टर इंजीनियर क्या होना। इसीलिए मेरे लिए तो एक ही ध्येय था, पास होना है। पास हो गए तो अपना काम हो गया। तो वैसे पास होता चला, होता गया, होता गया। नौवीं कक्षा में मैं टर्मिनल एग्जाम होती है ना, 6 मंथली एग्जाम, उसमें मैथमेटिक्स में फेल हुआ, 10 marks out of 100। तो आप समझ सकते हैं कि माता पिता, घर वाले, परिवार वाले ने क्या किया होगा मेरे साथ। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। लेकिन साथ साथ एक अंदर से आवाज भी आई कि अगर मेरे बड़े भाई कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी इन लोगों को दिखाऊंगा कि मैं भी पढ़ सकता। तो ये जो मुझे झटका लगा ना, तो फिर वही 12वीं वो एनुअल एग्जाम होती है ना, उसमें मेरे 70% आए। फिर धीमे धीमे मैं पढ़ने लगा, क्योंकि फिर 9वीं 10वीं 10वीं कक्षा 11वीं 12वीं वो तो बहुत इम्पोर्टेंट साल है ना, उसके आधार पर आपको इंजीनियरिंग, डॉक्टर वगैरह सब में एडमिशन मिलता है। तो फिर मैं, मेरे हिसाब निकला कि पढ़ाई के बगैर चलेगा नहीं, पढ़ाई नहीं करेंगे तो चलेगा कि नहीं? रीनम बोलती है कि नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा कि पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। हाँ, फिर वो अरिष्ट भी ऐसा बोलता है कि ये क्या पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई नहीं है वही अच्छा है। वही बोलता है स्वामी जी, पढ़ता ही नहीं है। हाँ, ये क्या बात है? ठीक है, लेकिन ये बात समझना है, पढ़ाई किए बगैर आपका काम नहीं होने वाला है। तो फिर उसके आधार पर मैं पढ़ने लगा। फिर पढ़ते पढ़ते मेरे मार्क्स भी अच्छे आने लगे। तो फिर मैंने अंदर से तय किया था कि अगर हमने साल भर आपने पढ़ा है तो एग्जाम में अभी हमें विश्वास रखना है कि मैं ठीक तरह से लिखूंगा। मुझे अपने आप पर शंका करने की जरूरत नहीं है एक मिनट, क्योंकि मैंने दिल से पढ़ाई की है। तो इसके कारण यही समझ के कारण आप विचलित नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपने दिल से पढ़ा है,
तो आपको अपने आप पर शंका करने की जरूरत नहीं है, आप समझे? लेकिन अगर हम कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते हैं, ऐसा भी करके ऐसे भी वो खत्म कर देते हैं, तो वो आपको डर बिल्कुल और विश्वास नहीं दिलाएगा, समझे आप? जैसे स्वामी जी आपने कहा कि विश्वास तभी टूटता है जब वो गलतियां करते, तो गलतियां कैसे नहीं करें? नहीं, हमको इसीलिए ये जो ये दादाजी ने भावना करने बताई ना कि मेरे मन वचन काया से किसी को भी दुख ना हो, ये बहुत सामान्य भावना है, प्रार्थना है, लेकिन इसमें जीवन के बहुत सारे पहलू आ जाते हैं। पहली बात उसको समझे तो आपके मन से वाणी से काया से किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है, किसी के साथ बुरा बोलना नहीं है, किसी के साथ बुरा आचरण उनको दुख पैसा नहीं करना है, ये तो समझ में आता है। अभी आप स्टूडेंट है, आपका लक्ष्य क्या है? कोई जो भी आप सब्जेक्ट चूज करो उसमें सबसे आगे निकलो और मेरे मन वचन का ऐसे किसी भी जीव को दुख ना हो। राइट, यानी आपका लक्ष्य आज पढ़ाई है, एजुकेशन, यानी पढ़ाई करो, खेलो, खेलना भी है, ऐसा नहीं कि नहीं खेलना है। जी स्वामी, खेलना भी है, पढ़ाई भी करना है, घर में जो माता पिता आपको काम बताए वो आपको करना है, उसके लिए भी थोड़ा समय रखना है, क्योंकि ये जीवन है। ये जीवन में बड़ा अच्छा बताया कि छह प्रकार का ज्ञान बोलते हैं या कला, कला बोलते हैं उसे, आपको आनी चाहिए। अभी आप 13 साल की हो गई तो आपको रसोई घर का कुछ भी आता है या कुछ भी नहीं आता? कुछ आता तो है। तो मम्मी आप उनकी जिम्मेदारी समझती है, तो आप जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी ना तो आपको सिखाते जाएगी, लेकिन जब वो सिखाते हैं तब आपको ना 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 नहीं बोलना है, क्योंकि ऐसा है पढ़ाई भी करना है और ये भी आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर घर की बहन या माता जी अगर उनको खाना बनाना नहीं आता है, घर की देखभाल रखना नहीं आता है, तो वो सही होगा कि गलत होगा? गलत। अभी मैंने मेरी एक दूर की भतीजी, वो तब 10वीं कक्षा में थी, मैंने उसको पूछा था, बेटे आपको खाना पकाना आता है, रसोई का कुछ काम आता है? बोले नो। मैंने कहा आपको सीखना चाहिए? बोले नो। मैंने कहा क्यों नहीं? बाहर से होटल में सब कुछ मिलता है। मैंने कहा कि वो होटल में बनाते हैं वो कुछ भी बनाएंगे ना, वो क्या ध्यान रखेंगे, सब्जी को ठीक तरह से साफ करेंगे, आटा वगैरह जो है वो सब अच्छा उपयोग करेंगे, उसमें कीड़े वगैरह पड़ते हैं तो क्या वो सफाई करेंगे? लेकिन हम तो घर पर तो कितना ध्यान रखते हैं, आप समझे? बाहर मिलता है, अब ये लॉकडाउन में पूरा बंद हो गया था, हम खुद हमारे ये घर पर हम खुद पोछा लगाते थे, झाड़ू लगाते थे, आज ही किया, आप समझे? तो ये खाना पकाना ये आपका काम है, यानी उसका मतलब क्या है कि आपके माता पिता आपको जो कुछ बताते हैं करने को तो वो करना है, आपको सीखना है। ये सभी चीज जो है वो अगर आप सीखेंगे, और ये छह कला की जो बात करते हैं वो थोड़ा ब्रीफली मैं बता देता हूं संक्षिप्त में, कि आपको लिखना आना चाहिए। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं वो पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन बोलो लिखने का मुझे बहुत कंटाला आता है, उनके अक्षर है ना वो, उसको हम क्या बोलते हैं, चींटी मकोड़े है ना, ऐसा है, वो क्या लिखा वो खुद को भी पता नहीं है, तो टीचर पढ़ेगी कैसे और उसको मार्क्स कैसे देगी, आप समझे? तो ये हमारे टीचर ने ऐसा, अरे हमारे टीचर ने और हमारे जो हम वहां काम करते थे तभी हाथ से लिखाई होती थी, अभी तो कंप्यूटर में मैसेज भेजते हैं,
ईमेल से वगैरह, जी स्वामी, तो वो बता रहे थे कि हमारे अक्षर ही इतने अच्छे होने चाहिए ना कि वो जैसे वो आग टेबल पर आके कुछ पढ़ा है लिखा है, जैसे देखिए ये मेरे अक्षर कैसे है, देखो दिखाई देते हैं, जी स्वामी, इन्हें लिखता हूँ, तो अक्षर तो अच्छे नहीं होने चाहिए, अक्षर अच्छे होने चाहिए, तो आपने जो एग्जाम में लिखा है वो टीचर पढ़ेंगे अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, आपके अक्षर अच्छे हैं, जी स्वामी जी, फिर वो रीनम के अच्छे हैं, जी स्वामी जी, दोनों के, वो अरिष्ट के अच्छे हैं, हाँ ठीक है उसके, और आरव के ठीक है उसके भी, हाँ ठीक ही है ना, अच्छा होने चाहिए, वो प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऐसा है ना जो भी हम करें वो परफेक्ट करेंगे, तो वो परफेक्शन ही हमें बहुत आत्मबल आत्मविश्वास देता है, जी स्वामी, लेकिन अगर हम ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये मैं नहीं करूंगा, वो मैं नहीं करूंगा, तो ये जो जहाँ हम कमजोर रह जाते हैं ना, तो वहां वो हमारा विश्वास तोड़ता है। फिर दूसरी बात, तो खाना पकाना आना चाहिए, पहले इसे कलम बोलते हैं, कलम यानी लिखावट, अक्षर भी अच्छे हैं और उसमें जो हम लिखते हैं ना उसमें भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, फिर कलम, करछी, उसको करछी, वो करछी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चम्मच बोलते हैं, चम्मच ही गुजराती में करछी बोलते हैं, जिससे हम वो सब्जी हिलाते हैं, तो बोले खाना पकाना आना चाहिए, कलम कड़छी बड़छी, बड़छी यानी जिससे वो मारते हैं ना, यानी मारामारी करनी आनी चाहिए, हमें मारामारी करनी नहीं है, किसी को मारना नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें परेशान करते हैं तो उनको धक्का मार के भाग जाओ, इतना कर सकना चाहिए, हमें मारना नहीं है, आप समझे, जी स्वामी जी, और जो मार सकते हैं ना उनको मार खाने की ताकत भी बहुत होती है, जी स्वामी जी, तो ऐसा शरीर को इतना कमजोर मत बनाओ कि किसी ने एक चाटा मार दिया गिर जाए, समझ गए, तो ये लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई मारे तो आपका शरीर टूटना नहीं चाहिए, ऐसा मजबूत रखना है, कमजोर नहीं रखना है, समझ गए, अभी आगे तैरना आना चाहिए, अभी वो जैसा संयोग है ऐसा सीखना चाहिए, नहीं तो ये थोड़ा पानी है उसमें गिर गए तो बोले इतने इतने छोटे पानी में डूब कर मर गए, तो तैरना आना चाहिए, तभी का समय ऐसा था कि सामान्य तौर पर जब जाना होता है तो बीच में अगर कोई पानी का नाला जैसे कुछ आ गया तो आपको तैरना आना चाहिए, फिर चोरी करना आना चाहिए, आप बोलेंगे चोरी करना क्यों आना चाहिए, जैसे कि आपके घर में कोई आया, बाहर के कोई आए, कोई आपके फ्रेंड ही आए, समझो मित्र है, आपकी फ्रेंड है, अगर वो चोरी की नियत रखती है ना तो उसकी नजर ऐसा 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 कहाँ कहाँ पे ऐसी जाएगी, तो अगर आपको चोरी की कला आती है ना तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि इसकी नियत ठीक नहीं है, जी स्वामी जी, यानी चोरी को पकड़ने के लिए चोरी की कला आनी चाहिए, जी स्वामी जी, तो ये क्योंकि जीवन में ये सामान्य दुर्गुण है, सामान्य दोष है, लोग चोरी करते रहते हैं, किसी की जीत नहीं देखी जैसे जेब में डाल देते हैं, वो सब्जी लेने गए ना तो धीमे से कुछ ऐसा बैग में डाल देते हैं, डालते हैं कि नहीं, हाँ, तो ये समझना है चोरी, तो इसके उससे क्या, अगर आपको चोरी की कला आती है ना तो आप जागृत रहते हैं, आपकी नजर सभी जगह चारों ओर रहती है, समझ गए, तो ये चोरी आना ताकि कोई अगर चोर है तो आप उसको पकड़ सके और आप उस नुकसान से बच सके, ठीक है, जैसे रात को हम सोते हैं तो सब दरवाजा खिड़की सब बंद करके सोते हैं ना, जी स्वामी जी, अगर आप नहीं करते तो मम्मी पापा वगैरह ध्यान रखते हैं दरवाजा बंद किया कि नहीं, ऐसा करके बोलेंगे,
वो आप बोलेंगे कि मैंने बंद किया तो आप पर विश्वास नहीं रखेंगे, वो खुद जाके देख के आएंगे नहीं बराबर बंद किया है। तो ये चोरी की कला आने से आपको पता चलता है, आप आपका दिमाग ऐसा हो जाता है कि चोर कहाँ से आ सकता है और वहां पर आप सुरक्षा रखेंगे। ठीक है, अभी आगे ये थोड़ा गहरा है, इतनी सामान्य इतना आसान नहीं है, लेकिन जैसे कि ये मम्मी को समझ में आएगा कि अगर आप कुछ गलत करके आए हैं तो आप गलत करके आए तो आप तो बताएंगे नहीं, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे ना कि बताएंगे, क्योंकि आप बताएंगे तो मम्मी डांटेंगी, डैडी डांटेंगे, तो आपको बताने का थोड़ी अंदर से दिक्कत होगी। लेकिन माँ के पास ऐसी कला है और ऐसी होनी चाहिए कि उनको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि आज ये बच्ची मेरी कुछ गड़बड़ करके आई है। लेकिन क्योंकि गड़बड़ करके आते हैं तब हम सहज नहीं रह पाते, नॉर्मल नहीं रह पाते। जैसे वो आरव है, अरिष्ट है उदाहरण तौर पर, कि अगर वो कुछ गलत करके आए हैं तो वो इतने मुक्त नहीं रह पाएंगे, सहज नहीं रह पाएंगे। तो मम्मी डैडी को पता है चल ही जाना चाहिए, और खास करके मम्मी को तो पता चलना ही चाहिए, और मम्मी को वो कला आना आनी चाहिए कि वो ऐसी ऐसी बातें करके वो बात निकाल लेगी कि क्या बात है करके, क्योंकि जरूरी है ना। आप तो डरते हैं लेकिन उनको तो आपको सबका ध्यान रखना है। तो वो कला जिससे सामने वाले छुपा रहे हैं वो आपको बोल देंगे, हमको उसका दुरुपयोग नहीं करना है। लेकिन जिसे आपका नुकसान होता है, जो आप जानते नहीं है, वो हमें सामने वाले जो है वो निकाल लेते हैं और खुद का रक्षण करते हैं और सामने वाले का भी रक्षण करते हैं, उसे तंत्रु बोलते हैं। तंत्रु यानी वो तांत्रिक विद्या नहीं है, लेकिन तंत्रु का मतलब है कि सामने वाले जो कोई गलत बात छुपा रहे हैं, जो खुद को नुकसान होता है, कितने लोगों को नुकसान होता है, वो आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ये छह कला है, कलम कड़ची बड़ची तैरना चोरी तस्करु बोलते हैं और तंत्रु बोलते हैं। कलम कड़ची बड़ची तैरना तस्करु और तंत्रु। तस्करु तस्कर तो बोलते हैं ना, तस्कर यानी चोरी, और तंत्रु याने किसी की बात निकालनी, पेट में छिपी हुई बात, समझ गए। तो ऐसा ये सब आएगा तो आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस पीक पे होगा, परफेक्ट। आप बिल्कुल डिगेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं, फर्म एंड स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर। और एक और की बात भी है, ये नौ कलम बताई है ना आपको, नौ कलम की भावना रखेंगे कि मुझे किसी को दुख देना नहीं है, मुझे कोई धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलना नहीं है, वगैरह वगैरह, जो सब है ना खाने पीने का वगैरह, तो उसके आधार पर भी आपका आत्मविश्वास स्ट्रांग रहेगा। और इन शॉर्ट गलतियों के कारण हमारी अंतर्विश्वास बैठ जाता है। जी स्वामी जी, समझ गए अभी। जी स्वामी जी, यही सच्चिदानंद। और स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि अगर देह से बंधे हुए जो कर्म होते हैं वो देह भुगत कर ही किए जाते हैं ना, देह से शरीर से, शरीर से किए हुए कर्म शरीर को भुगतने पड़ते हैं ना। हाँ ऐसा है ना, देखो मैं समझाता हूँ। अगर मैंने किसी को मारा है ना, तो मार मुझे सारे जीवन में आ जाता है, कहीं ना कहीं से कुछ ऊपर से गिरेगा, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ। यानी शरीर से किसी को भी हमने दुख दिया तो वह शरीर के ऊपर ये अपने इसी जीवन में आ ही जाते हैं। और फिर जो हम अच्छा बुरा बोलते हैं ना, अगर अच्छा बोलते हैं तो लोग हमसे अच्छा बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे।
अगर हम लोगों से ठीक तरह से बात नहीं करेंगे तो लोग हमें कहीं ना कहीं ऐसा बोल देंगे, वरना किसी को कैसे भी हमसे बात करने का अधिकार नहीं है, किसी को डांटने का भी अधिकार नहीं है, अच्छा बुरा कहने की भी अधिकार नहीं है। लेकिन हमने जो किया है ना वो इसी जन्म में आता है, उसे स्थूल कर्म बोलते हैं, फिजिकल कर्म। स्थूल कर्म समझिए, वाणी से और हमारे आचरण से जो कुछ हम लोगों को सुख दुख देते हैं वो इसी जन्म में उसका परिणाम आता है। जी सर, ये कुदरत का कायदा है, नियम है, उसे स्थूल कर्म बताया। स्थूल कर्म का परिणाम इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। अभी मन से जो हम विचार करते हैं, हम सोचते हैं कि ये चारवी ऐसी है, ये आरव ऐसा है वगैरह वगैरह, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो मन से जो करते हैं ना वो आगे के जन्म में भी आता है, और ये जो हम भावना करते हैं मन वचन का से किसी को भी दुख ना हो, नौ कलम की भावना करते हैं, ये छह कलाएं आपको आनी चाहिए ऐसा अंदर से भाव रखते हैं, तो इससे ये जो पॉजिटिविटी है ना वो आपको ये जन्म में भी काम में आएगी और भविष्य में भी काम में आएगी। इसे सूक्ष्म कर्म बोलते हैं जो आगे के जन्म में भी फॉलो होता है। जी सर, आप समझ गए। तो ये ऐसा है, तो हम जब ऐसा भावना करते हैं कि किसी को भी दुख ना हो तो आपने आपकी सेफ साइड कर दी। मैं एक उदाहरण देता हूं कि मैं जब छोटा था ना तो वो कॉकरोच होता है, छिपकली होती है, बहुत मारता था, वो मारने में मैं एक्सपर्ट हो गया था। अगर घर में किसी को छिपकली दिखाई दे ना वो पुकारेंगे, वो दीपक कहाँ है, मैं बोलता था मैं हाजिर हूँ, बोले वो देखो छिपकली है, वो मैं उसको गिरा देता था कि कुछ भी करके कॉकरोच है पकड़ के मार देता था। अभी जब दादा के पास आया तो मेरे समझ में आया कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर तय किया कि नहीं मारना है। तो यहाँ पर एक कुदरत का कानून है कि जब तक मैंने मारने की भावना की है ना, जैसे मैंने छिपकली को मारूंगा, कॉकरोच को मारूंगा, कीड़े मकोड़ों को मारूंगा, तो जो मरने वाले होते हैं ना वो कुदरत मेरे तरफ धकेल देते हैं। समझ गए जी स्वामी जी। नेचुरल, ये कुदरत का कानून है, वो मेरे तरफ आएंगे क्योंकि मैं मारने वाला हूं, उसका मरने का टाइम हो गया है ना, तो मेरे पास भेज देते हैं कुदरत। जी स्वामी जी। लेकिन जब मैंने किया, मैंने तय किया कि नहीं मैं मारूंगा नहीं, तो तब क्या होता था कि अगर छिपकली आ गई वो लोग पुकारते हैं, अरे दीपक कहाँ है, मैं हाजिर ही नहीं हूं वहां पर। नेचुरली मैं हाजिर ही नहीं होता था, और अगर समझो हाजिर भी हूं तो मैं बता देता था वो धंधा मैंने बंद कर दिया, मारता नहीं हूं, तो बोले चलो भागो इधर से, बोलो ठीक है। फिर वो बोलते भी थे डरपोक, बोला आपको जो बोलना है बोलिए, अब मैं वो नुकसानी का धंधा करता नहीं हूं, मेरा वो धंधा बंद हो गया। लेकिन मूल बात यह है, तो ये कुदरत के सिद्धांत जो दादा भगवान ने खुले किए हैं ना, उसे हम अपने जीवन को बड़ी अच्छी तरह से संवार सकते हैं और अपने सुख के लिए। समझ गए जी स्वामी जी। फिर आपको कभी डर भी नहीं लगेगा। आपको ऐसा है ना, ऐसा बताया है कि अगर आपने किसी को भी दुख दिया नहीं है और आपको किसी को भी दुख देना नहीं है, तो मैं उदाहरण देना चाहता था कि फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम एक प्रोग्राम में थे और खत्म हो गया प्रोग्राम और हम सब लोग बाहर जा रहे थे, यानी प्रोग्राम में से खत्म करके बाहर जा रहे थे। अभी वहां पर फुटपाथ होती है ना, वो फुटपाथ के वो कर्ब, उसको क्या बोलते हैं, वो कंक्रीट का होता है ना, वहां पर लाइन में नारियल के पेड़ थे, झाड़ थे,
ऊपर से एक नारियल, इतना बड़ा नारियल गिरा, वो फुटपाथ के एंगल पर गिरा और सीधा मेरे तरफ आया। अभी मैं तो चलता हुआ बाहर जा रहा था, वो तो मेरे ध्यान में भी आया नहीं कि वो गिरा, लेकिन अभी ये मेरा पैर है ना, तो ऐसा साइड में लग के निकल गया दो पैर के बीच में से। अभी आप सोचो कि अगर वो सीधा लगता, इतना बड़ा नारियल जो इतने ऊपर से गिरा, तो मेरे पैर का क्या होता था? फ्रैक्चर हो जाता, टोटल इमीडिएट फ्रैक्चर। लेकिन यहाँ ये बात समझना है कि हम जो रात दिन ये जतन करते हैं, जतन देवी आपकी बात नहीं है, हम जो भावना करते हैं कि मेरे मन वचन कहां से किसी को भी दुख ना हो, तो कुदरत हमें बचा लेती है। वरना इतना बड़ा नारियल नीचा गिरा और आपके तरफ आया और पैर पर लगे तो पैर तुरंत टूट जाता था, लेकिन वो सिर्फ वो बोले ना थोड़ा घिस के चले गया। इस तरह से कुदरत हमारी रक्षण, हमारा रक्षण करेगी। समझ गए? जी सर। यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। यही सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न है? हाँ आरव जी, नोनू आपको नहीं है आज बोलने वाले, इसके बाद आपका टर्न है। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मेरे को स्व पर प्रकाशित विज्ञान के बारे में थोड़ा बताएंगे? ऐसा है ना कि ये जो शरीर है वो विनाशी है, और भीतर के शुद्धात्मा भगवान है, शुद्ध चेतन है, वह अविनाशी है। ये शरीर तो जन्म हुआ था ना जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है ना जी, फिर वो लोग गुजर भी जाते हैं ना, गुजर भी जाते हैं, पता है ना आपको? क्या स्वामी जी क्या कह रहे हो? लोग गुजर जाते हैं ना जी, मर जाते बोलते हैं ना जी, तो ये शरीर का जन्म होता है और शरीर का मरण होता है जी, लेकिन भीतर के शुद्ध चेतन शुद्धात्मा भगवान है, वे अविनाशी है, वे मरते नहीं है। और जो हम कहते हैं कि मैं, तो अभी तो आप ऐसा बोलते हैं ना कि मेरा नाम आरव है और मैं आरव हूं करके जी, अभी आपने ये दादी दादा से जाना है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्ध चेतन हूं, सही है, सही है। तो ये जो मैं शुद्ध चेतन हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, वह स्व है, वो मैं खुद हूं, और ये शरीर है वो पर है, जो मैं नहीं हूं। और जो विज्ञान ये स्व पर का भेद बताए, मुझे समझ दे कि स्व क्या है और पर क्या है, उसे स्व पर प्रकाशक विज्ञान बोलते हैं। ये वितराग विज्ञान, महावीर भगवान का जो विज्ञान है, कृष्ण भगवान का विज्ञान है, महावीर भगवान का विज्ञान है, राम भगवान का विज्ञान है, सभी धर्म का जो विज्ञान है वो मूल में स्व पर प्रकाशक विज्ञान है जी। और वह विज्ञान जानने से आप जीवन व्यवहार में भी सफलता, सुख, शांति मिलेगी, और अध्यात्म में भी आपकी प्रगति होगी और आपकी मुक्ति होगी। तो ये तो अच्छा है ना। जैसे महावीर भगवान घर पर ही थे, वो गृहस्थी थे, उनको दो लड़कियां थी, यानी वो पिताजी भी थे, लेकिन आखिर में उनको ये ज्ञान की उपलब्धि हुई और वे मोक्ष में गए जी। समझ गए? तो उन्होंने यह स्व पर प्रकाश विज्ञान जाना था जी। तो समझ गए स्वामी जी? स्वामी जी इसके लेखक जेमेशानंद जी है, वो अलग है, वो तो उन्होंने वो किताब जो है वह दादा भगवान ने जो बताया उसको एकत्रित करके वो किताब में दिया है, लेकिन तो स्वामी जी विज्ञान क्या है वो यह बात है। समझ गए?
स्वामी जी जो बुक में है उसको शॉर्ट में एक बार बता सकते हो? यही ये शरीर का धर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है, वो सब बताया है उसमें। जीवन व्यवहार के संबंध में आप जीवन व्यवहार ऐसा कैसे जिएंगे कि ताकि आप प्रगति करें, समझ गए? अभी और प्रश्न आए हैं, समझ गए? जी स्वामी जी, जी स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। दादी को पूछना फिर। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद बेटे। अब ब्रिज कुमार जी बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद ब्रिज कुमार जी। अभी आपने जो ये इसका बोला कि मैंने वो कॉकरोच वगैरह मारे हैं, मैंने भी क्या बचपन में मच्छर बहुत मारे हैं। हाँ। हमको क्या प्रतिक्रमण वगैरह भी करने का होता है ना? वो तो प्रतिक्रमण तो करना ही चाहिए ना, तभी आपको शांति होगी, नहीं तो अंदर से वो क्या बोलते हैं, दुख होता ही रहेगा किसी न किसी, आपको अंदर से सुख नहीं आएगा। अच्छा। हमने जो जो गलतियां की है ना उसका पश्चाताप करके उसको मिटा देना है, क्लीन कर देना है, समझ गए? मैं एक उदाहरण देता हूं। दादा भगवान कॉन्ट्रैक्ट का धंधा करते थे, जिसमें उनको लकड़े का उपयोग बहुत होता था, तभी तो लकड़े का ही सब चीजें बनाते थे ना, आप समझे? हाँ। तो उनको एक दफा जब बंबई में थे तब उनको एकदम सा याद आया कि किसी कॉन्ट्रैक्टर से, उन्होंने सप्लायर से लकड़ा लिया था, उनका पैसा देना भूल गए थे। और ये बात कब की थी? 35-40-50 में उनको याद आया। और ये बात उनको याद कब आया? 83-84 में। तो उन्होंने आप्तपुत्रों को भेजा, उन्होंने कहा ये व्यक्ति का नाम मुझे मालूम नहीं है लेकिन वो लकड़े का धंधा करते हैं। और आप्तपुत्रों को बताया कि आप जाके ढूंढ के ले आओ कि वो कौन से एरिया में, मुंबई का एक वो एरिया है उसे क्या बोलते हैं, सैंडर्स रोड वगैरह जो है ना, हार्बर लाइन, मुंबई में हार्बर लाइन है, सेंट्रल लाइन है और वेस्टर्न लाइन है। तो बोले वहां ये एरिया में होने चाहिए। तो आप तो पुत्र श्री गए, सभी कुछ जो लकड़े का व्यवहार करते थे, धंधा करते थे, वो सभी को नाम पूछा कि यहाँ लकड़े का धंधा करने वाले का नाम बताओ मुझे। वो 10-15 नाम लिया उन्होंने और फिर दादाजी के पास गए कि दादाजी ये सब नाम है। तो दादा ने एक से दूसरा सब नाम पढ़ा, फिर बोला ये इनको बुलाओ। तो उन्होंने सबका नंबर लेके रखा था, तो फोन करके वो गए वहां पर, उनको मिले और उनको विनती की कि आपको दादा भगवान बुलाते हैं। वो तो जानते नहीं थे दादा भगवान कौन, क्योंकि ये तो बात की बात थी जब तो वे धंधा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अम्बालाल मूलजी भाई पटेल जो है वो आपको बुला रहे हैं, अगर आप कष्ट करके आए तो। फिर वे आए, उन्होंने पहचान लिया, दादा ने भी पहचान लिया। फिर दादाजी ने बात कही कि एक विनती है, मुझे याद है कि कुछ पैसे मुझे देना है और ये पैसे है, ऐसा करके दादा ने दिया। यानी उसका मतलब क्या है कि हमने जो गलतियां की उसको सुधारना ही पड़ता है, समझ गए? हाँ हाँ समझ गए। ये बात है। तो ये जो कुछ पहले का याद आता है, दादा को याद करके आप प्रतिक्रमण कर लो, ठीक है, दोबारा ये गलती नहीं करूंगा, ऐसी शक्ति मांगो, तो क्लियर हो गया। हाँ ठीक है। जय सच्चिदानंद। नोनू नोनू जी बोलिए। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
स्वामी जी मेरा प्रश्न ये है कि हम इतनी सारी आरतियां करते हैं, हाँ, फिर आरती किसने बनाएंगे? ये भगवान ने बनाई है क्या? नहीं नहीं, आरती भगवान ने नहीं बनाई है, लेकिन आरती का मतलब समझ लो। जैसे कि देखिए वो कारपेंटर होता है ना, लोहार होता है ना, सुनाई देता है कि नहीं? हाँ। लोहार होता है ना, सुनाई देता है। हाँ। लोहार होता है ना, ब्लैकस्मिथ, दादू आपके सो गए, उठाऊं उनको फिर? समझ में आया कि नहीं? आपकी आवाज नहीं आती। आपकी आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। अभी आ रही है? अब आ रही है। देखो ये अलग अलग शक्ति होती है ना। हाँ। अलग अलग लोगों की पांच अलग अलग शक्ति होती है। हाँ। तो जैसे ये सब अलग अलग भगवान है ना, तो उनकी अलग अलग शक्ति है, और आरती का मतलब हम उनकी भक्ति करते हैं। भक्ति का मतलब उन्होंने जो कहा है उनके अनुसार हम चलना चाहते हैं। हाँ। जैसे आप, आपके दादू बोलते हैं ऐसा आप करेंगे तो दादू खुश होंगे? नहीं, दादू खुश होंगे। पिताजी बोलते हैं आप करेंगे तो पिताजी खुश होंगे कि नहीं? पिताजी खुश होंगे। फिर माता मम्मी है, आप मम्मी जो बोलती है आपको कहने को करती है, करने को कहती है, तो आप मम्मी खुश होती है ना? होती है। तो फिर अगर फिर आप जो भी कुछ चाहेंगे मांगेंगे तो वो देंगे कि नहीं? देंगे। इसी तरह से ये अलग अलग भगवान है, उनकी शक्ति को महापुरुषों ने पहचाना, समझा, और उनको एक आरती के माध्यम से प्रार्थना बताई, तो उसे क्या होता है कि वह जो उनके पास शक्ति है, ये प्रार्थना आरती करने से वो शक्ति हमारे में आती है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं ना, तो स्कूल में मैथमेटिक्स सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, हिंदी, गुजरात हिंदी, इंग्लिश वगैरह सब भाषाएं सीखते हैं, ज्ञान सीखते हैं ना? तो अगर वे कहे, टीचर कहे ऐसा आप करेंगे तो आपको वो विषय, वो सब्जेक्ट आ जाएगा ना? वो ऐसा है। तो ये जो आरती है वो हमारी भक्ति है उस भगवान के प्रति, और वह ऐसे बड़े पुरुषों ने लिखी है ताकि वो प्रार्थना करेंगे, जैसे दादा भगवान ने दिया है, मेरे मन वचन कहा से किसी को भी दुख ना हो, तो यह प्रार्थना करने से हमारा जीवन में इतना बदलाव आता है। और दादा भगवान ने जैसे बताया, मैं आपको उठा के मोक्ष में ले जाऊंगा, इतना बल है यह प्रार्थना में, यह आरती में, इसीलिए हम आरती करते हैं। और खास करके दादा भगवान ने क्या बताया कि दादा भगवान की आरती और श्रीमंत स्वामी भगवान की आरती, ये दो आरती अगर आप करेंगे तो आपका काम ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि ये आज के प्रकट पुरुष है, और आज के जो है उनका बल बहुत है। जैसे कि कृष्ण भगवान 5000 साल पहले हो गए, राम भगवान 10000 साल पहले हो गए, महावीर भगवान 2500 साल पहले हो गए, आज जो है वो आगे जो हो गए ना, उन सभी की सत्ता इनके अंदर प्रकट होती है, और आज जो है हम उनकी भक्ति करेंगे तो वो हमें फल देता है। और दादा भगवान का ज्ञान जैसे दादू ने पाया है, कितने सारे महात्माओं ने पाया है, तो दादा भगवान इन लोगों के माध्यम से जीवित है, उनका ज्ञान जागृत है, और ये जब हम आरती करते हैं तो हमारा अनुसंधान इन लोगों से होने से हमें ये ज्ञान
प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होने से आपको सुख शांति भी मिलेगी और आप प्रगति पण करेंगे, समझिए। वो सब गुण जो आरती में बोलते हैं ना, वो प्रार्थना के तौर पर हमारे अंदर प्रकट होता है, समझिए, ठीक है। बोलिए स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि चरण विधि हम क्यों पढ़ते हैं? चरण विधि जैसे आप स्कूल की किताबें नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम एग्जाम होती है ना तो पढ़ते हैं ना, एग्जाम एग्जाम परीक्षा इम्तिहान होती है तो पढ़ते हैं ना, इम्तिहान इम्तिहान होता है तो आप आपकी किताब पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं। हाँ, तो ये चरण विधि दादा का ज्ञान को संक्षिप्त में उसमें दिया है, तो वो पढ़ने से आपको ज्ञान जागृत रहेगा और जीवन व्यवहार तो हर समय पर इम्तिहान होता है, समझिए। तो वो इम्तिहान में हम नंबर वन आए इसीलिए वो चरण विधि करनी है, लेकिन आपको वो चरण विधि अभी करने की जरूरत नहीं है। आप तो ये प्रार्थना करते हैं ना, मेरे मन वचन कहां से किसी को भी दुख ना हो, उसमें सब कुछ आ गया, और दादा भगवान असीम जय जयकारो बोलना, और दादू आपको जो सिखाते हैं ना उसको सीख के आगे चलो, ठीक है। जय सच्चिदानंद। एक और प्रश्न डॉक्टर साहब का है, वो मैं फिनिश कर दूं। हाँ, जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भाटी बेन, डॉक्टर भाटी बेन आर यू देयर? डॉक्टर भारती बहन है आप? डॉक्टर भारती बहन प्लीज अनम्यूट। यस, अनम्यूटेड इट। ओके, आपने मौन के बारे में बताया। मौन ऐसा है ना कि मौन को सबसे बड़ा तप इसलिए बताया है क्योंकि आत्मशक्ति का लीकेज शब्द से है, वाणी से है, और वह अगर हम संभाल लेते हैं, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। जय सच्चिदानंद, कैन यू हियर मी? यस आई कैन। कैन यू रिपीट, योर वॉइस ब्रोक इन द। ओके, आत्मशक्ति का लीकेज वाणी से है, शब्द से है, क्योंकि शब्द वाणी वो अहंकार का एक्सप्रेशन है, और अगर हम उसको संभाल लेते हैं, वाणी को संभाल लेते हैं, शब्दों को संभाल लिया, तो अपनी आत्मशक्ति को संभाल लिया, अहंकार का एक्सप्रेशन हमने संभाल लिया, और वह आसान नहीं है। और अगर वहां पर संयम आ गया, क्योंकि अंदर से बहुत होता है, मैं ये बोल दूं, ये क्या समझते हैं अपने आप को, और हम बोलते कि नहीं दादा ने ना बोला है, तो वह तप है। इसीलिए वाणी को, मौन को सबसे बड़ा तप बताया है, समझ गए, क्योंकि वाणी से ही बिगड़ता है सब कुछ। अज्ञान भी वाणी से एक्सप्रेस होने के कारण कर्म बीज पड़ता है, मन बनता है। जैसे कि हम हमारे अभिप्राय मन में जो मान्यता है वो वाणी में जब व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तब मन बंधा जाता है, नया मन। और अगर वो शब्द हमने संभाल लिया तो वो कर्म बंधता नहीं है। इसीलिए मौन तप भी है और सबसे बड़ी साधना भी है, इसीलिए लोग मौन की साधना करते हैं, मौन में चले जाते हैं। कुछ महाराज साहब है वो तो दो दो तीन तीन महीने तक मौन में रहते हैं, सारे साल में, समझ गए।
Nay, but if I think something in the mind and I will not say that, that is also called as moh. Yes, in a way it is. मन में कुछ सोचते अपन. Right. It is क्योंकि अंदर से बहुत फोर्स आता है बोलने का बोलने का बोलने का, लेकिन आप विवेक से समझ से बोलते कि नहीं बोलना है. आप समझे, ये तब आपको बाहर समझा, लोगों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप तप में होंगे क्योंकि आपको अंदर से प्रेरणा करता है कि आपको बोलना चाहिए, और आपका विवेक, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका ज्ञान आपको बोलता है कि नहीं बोलना है क्योंकि यहाँ मर्यादा भंग होता है. समझ गए? Yeah, but then how do you control that speech? Control नहीं करना है, भाव ही करना है. ये जो हम बोलते हैं कि मेरे मन वचन कहा से किसी को भी दुख ना हो, वो धीमे धीमे हमारी जागृति वाणी के ऊपर आती है कि जहाँ हमें बोलने की बहुत अंदर से इच्छा होती है लेकिन हम बोलते नहीं है, क्योंकि आप जागृत होके पता चलता है कि ऐसा बोलने से बात बिगड़ने ही वाली है, तो इसका कोई मतलब नहीं है. और वो तब आप अंदर तपते हैं. अच्छा अच्छा. और जब ऐसा है ना, कई बार मैं एक उदाहरण देता हूँ. एक परिस्थिति में मेरा दिमाग बहुत हिल गया था और मुझे अंदर से बहुत होता था कि ये कह दूं वो कह दूं करके, लेकिन मैंने कहा चुप, दादा ने ना बोला है. और फिर क्या कहा पता है, मैंने अपने आप को सहज मिला वो दूध समान, मांग लिया सो पानी, खींच लिया वो रक्त समान. अभी आपको पानी करना है, रक्त करना है कि दूध करना है? तो बोले नहीं दूध करना है, तो मौन रहो. और जब वो समय चले गया, क्योंकि वो अंदर का डिस्टर्बेंस होता है, और वो संयोग निकल गया, मैंने कहा नहीं, तो बोला बोलो, इतनी बड़ा परिस्थिति इतनी बिगड़ जाती तो बच गए ना. आप समझे? बट उसके पीछे जो समझ है उसका आधार लेके बड़ी आसानी से आप मौन रह पाएंगे. और फिर भी अगर निकल गया और बात बिगड़ गई तो प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए. ओके. समझ गए? या. जय सच्चिदानंद. हमारा समय हो गया है, अगर आपको कोई सवाल है तो फिर कर लेंगे. हाँ, जय सच्चिदानंद. यू बी देयर, आई विल से थ्री मंत्र, यू फॉलो प्लीज. हाँ, आर यू देयर? या. नमो वितरागाय. या या, आई एम देयर. नमो वितरागाय. नमो वरिहंतानं. नमो वितरागाय. Yeah, I got you. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Vayariyanam. Namo Siddhanam. Namo Vajjayanam. Namo Vajjayanam. Namo Loe Savasahunam. Namo Loe Savasahunam. Esho Pancha Namukaro. ऐसो पंच नमकारो सव पावपनाशनो सव पावपनाशनो मंगलानं च सवेसिम मंगलानं च सवेसिम पद्मं हवै मंगलं पद्मं हवै मंगलं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद.